एक्वाकल्चर क्षेत्र के प्रोडक्शन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रिवॉल्यूशन तथा अन्य कई स्कीम्स के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक्वाकल्चर के हर क्षेत्र में सब्सिडी और आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की गई है। ये हम सभी लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि इस क्षेत्र को अपनाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें और खुद का भी भला करें। नमस्कार, YouTube पर मेरे एक्वाकल्चर गुरु नाम के इस चैनल में मैं सुनील चंद्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों का परिचय आप सभी देखने वालों से होगा कि किस तरह से हम लोगों ने 5 सालों में अपने एक्वाकल्चर की यात्रा तय की है। इन 5 सालों की यात्रा को कुछ मिनटों में भली प्रकार समेट पाना काफी कठिन काम था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है और आशा है कि आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। एक्वाकल्चर क्षेत्र में आने के पहले हम लोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र और फाइबर ग्लास बोट बनाने का काम किया करते थे। इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी हम लोग सरल तरीके से एक्वाकल्चर के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग वीडियो की श्रृंखलाएं लेकर आने वाले हैं। इन वीडियो श्रृंखलाओं में रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी तथा पॉन्ड एक्वाकल्चर सिस्टम पर विशेष रूप से और विस्तार से चर्चा की जाएगी। मैं अपने सभी देखने वालों को ये इंट्रोडक्टरी वीडियो पूरा देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने पिछले काम की कुछ झलकियों के साथ। बिस्मिल्लाह। 800 सीसी मोटर ट्राइक फॉर डेली कस्टमर, 150 सीसी ATV, 150 सीसी मोटरसाइकिल। ये कार हमारी है, ये हम लोगों ने अपने लिए बनाई। 1300 सीसी, पूरी फाइबर ग्लास की बनी हुई है और इसमें इंजन मारुति स्टीम का लगा हुआ है। यहाँ पर साउंड बंद कर रखी है क्योंकि कोई सॉन्ग लगा हुआ है, अगर YouTube पे चलाएंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा। ये टेस्ट ड्राइव थी, पहली बार चला रहे थे। नेशनल हाईवे 155A, इस पर भी चलाया हम लोगों ने। बीच बगी 150 सीसी, फन व्हीकल, फिनोलेक्स के लिए पायलट बोट, सेलिंग कैटमरन फॉर ए गोवा कस्टमर। अपना पुराना काम पूरी तरह से बंद करके एक संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ हम लोगों ने एक्वाकल्चर के क्षेत्र में पदार्पण किया और शुरुआत की रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। हम लोगों ने पहले 2 टन का RAS बनाया और उसके बाद 4 टन का RAS। ये दोनों ही सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित किए गए, जिसके लिए हम लोगों को प्रोग्रामेबल लॉजिक कार्ड बनाना पड़ा और साथ में पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ी। इंटरनेट और गूगल को कोटि कोटि धन्यवाद तथा आभार। इनके बिना हम लोगों की एक्वाकल्चर की ये यात्रा कभी भी संभव हो ही नहीं सकती। RAS की तमाम इकाइयों को और इस प्रणाली को बनाना और उसे ठीक प्रकार से चलाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग काम था, मगर हम लोगों को फाइबर ग्लास की अच्छी समझ थी, इलेक्ट्रिकल्स की जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों ने सीख लिया। इस वजह से हम लोग इसे ठीक से बना पाए और सफलतापूर्वक चला पाए।
हम लोग को मालूम था कि हम लोग का ज्ञान सीमित है, परंतु निरंतर सीखना और सीखकर सही दिशा में आगे बढ़ने का हमें बचपन से ही शौक रहा है। और मेरे इसी शौक की वजह से हमने और छोटू ने मिलकर एक सुनियोजित योजना के अनुसार काम करना शुरू किया और एक नियत समय में एक्वाकल्चर के मुख्य प्रणालियों का निर्माण स्वयं से किया और उन्हें सफलतापूर्वक चलाकर उत्पादन भी लिया। अक्सर हम लोग 48-48 घंटे काम करते थे, जिसके फलस्वरूप हम लोग एक्वाकल्चर के तमाम सिद्धांतों के संदर्भ में एक अच्छी और खुली समझ पैदा कर सके, जिसका नतीजा बहुत ही सुखद रहा। और कालांतर में आगे बढ़ते हुए हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से ही मिलते चले गए। मेरे वीडियोस कहीं सुनी बातों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि ज्ञान, तर्क शक्ति और शोध पर टिके हुए हैं। एक एक बात जो कही गई है उस पर ज्ञान की समझ और स्वयं के द्वारा किए गए अध्ययन और प्रयोग का निचोड़ शामिल है। आने वाले समय में जो वीडियो आएंगे उसमें आपको इन सब बातों की साफ झलक दिखाई देगी। आरएस और पॉन्ड कल्चर में हम लोगों ने लगभग 2 साल काम किया। एक ठीक ठाक एक्वाकल्चर की जब समझ आ गई तो हम लोगों ने सोचा कि अब अपनी इस समझ को बाहर जाके तौला और परखा जाए कि आखिर हम लोग की नॉलेज का स्तर क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमपीडा के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RGCA राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर के पास गए। वहाँ पर हम लोगों ने, उसके 2 सेंटर है, एक विजयवाड़ा में है और एक शिरकाली में। हम लोग दोनों जगह गए और वहाँ पर जाकर हमने गिफ्ट यानी कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया के ग्रो आउट कल्चर, मड क्रैप फार्मिंग और एक्वाकल्चर पैथोलॉजी में ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया। राजीव गांधी सेंटर में बहुत ही अच्छे, भले और शानदार लोगों से मुलाकात हुई। बी अपाला नायडू सर, मैथ्यूज बर्की, पी शिव कुमार, गुणाशेखरन जी, गनावेल, लक्ष्मणा राव, डॉक्टर अनूप मंडल, कार्तिक जी, बाबू राव जी, मिस्टर बाबू, सत्यराजू, डॉक्टर अयप्पन, डॉक्टर आरसू और ऐसे तमाम लोगों से वहाँ मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। 2 वाक्या जो वहाँ पर हुआ वो बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टेज से अनाउंस किया गया और ये बोला गया कि द क्वेश्चंस आर नॉट फॉर सुनील सर, और दूसरा वाक्य ये था कि फेयरवेल जब हम लोग का हो रहा था 49th बैच का, तो हमें डायरेक्टर साहब के बगल में बैठाया गया और डॉक्टर अनूप मंडल ने ये कहा कि वी हैव विथ अस वन पर्सन हु नोज इवन बेटर देन सम ऑफ अस। तो ये 2 वाक्य ऐसे थे कि जो उद्देश्य लेकर हम लोग बाहर निकले थे कि देखें हमें क्या आता है, क्या हमारे सीखने का और समझने का जो कुछ भी हम लोगों ने किया उसका स्तर क्या है, उसका जवाब हमें इन 2 इवेंट्स से मिल गया। राजीव गांधी सेंटर के बाद हम लोग सीबा गए। सीबा ICAR की संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, जो कि ब्रैकिश वाटर से संबंधित है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग लेने गए। डॉक्टर अंबा शंकर सर ने ये ट्रेनिंग ली और वहाँ पर और भी लोगों से मुलाकात हुई, डॉक्टर श्याम दयाल, डॉक्टर देवाशीष दे, डॉक्टर कैलसम, सुब्बूराज जी और डॉक्टर संदीप, डॉक्टर शिव रामा कृष्णन,
तमाम लोगों से मुलाकात हुई, ये लोग भी बहुत ही अच्छे थे और इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों को बताई और सिखाई। सीबा में भी दो बड़े अच्छे वाकया हुए जो हम बताना चाहेंगे। पहला ये कि ट्रेनिंग के पांचवें दिन हमसे वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आरएएस के बारे में सीखने के लिए आए और करीब एक घंटा उनसे काफ़ी चर्चा हुई और हम लोगों ने काफ़ी विचारों का आदान प्रदान किया। और दूसरा वाक्या ये हुआ कि हमारी रिटर्न की फ्लाइट काफ़ी भोर में थी, काफ़ी सुबह सुबह, तो जब हम ट्रेनीज हॉस्टल से नीचे उतरे सवेरे 3 बजे तो पोर्टिको में हमने डायरेक्टर साहब की नीली बत्ती वाली गाड़ी खड़ी हुई देखी। ड्राइवर ने कहा कि साहब ने भेजा है, आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देते हैं, और फिर उस गाड़ी से हम एयरपोर्ट गए। इसके लिए डॉक्टर अम्बा शंकर को बहुत बहुत धन्यवाद। सीबा से ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग फिर जनवरी 2019 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी थी सीबा ने चेन्नई में, इसका नाम था ब्रैकॉन। हम और छोटू वहां पर भी गए और उसमें भी भाग लिया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रैकॉन में ही हमने सोसाइटी फॉर कोस्टल एक्वाकल्चर एंड फिशरीज इसकी आजीवन सदस्यता भी ग्रहण की। ये सोसाइटी ICAR सीबा द्वारा ही गठित की गई है। सीबा के साथ हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया जिसमें हमने अपने आरएएस में एशियन सी बैस का ग्रो आउट कल्चर किया। इसके लिए सीड्स और फीड दोनों ही सीबा ने दिए। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। पैंडेमिक के ठीक पहले हम लोगों ने बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी पर भी काम किया और जीरो वाटर एक्सचेंज में हम लोगों ने फिश टैंक फार्मिंग की, जिसमें मुख्य रूप से तिलापिया का हम लोगों ने उत्पादन किया। बाद में 12-12 हज़ार लीटर के दो और टैंक बनाए और उसमें भी बायोफ्लॉग का सफलतापूर्वक रिसर्च किया और सारे डेटा इकट्ठा किए। बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी से एशियन सी बैस का ग्रो आउट कल्चर करने के लिए हम लोगों ने 10-10 हज़ार के 6 टैंक लगाए हैं और पैलेटाइज फीड पर वीन्ड बच्चे हम लोगों ने लिए हैं और 19 मई 2022 से सेटअप चालू हुआ है। 2300 लीटर का जो हमारा बायोफ्लॉग का सिस्टम चल रहा है वो 7 नवंबर 2019 से लेकर अभी तक चल रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है और वो जीरो वाटर एक्सचेंज है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर कोविड में काफी समय हम लोगों का नष्ट हुआ और सारा काम धाम बंद था। फिर अभी पिछले साल 21 जुलाई 2021 से हम लोगों ने यहाँ पास में ही एक जगह है रोहा, वहां पर 1.25 एकड़ में अपना फिश फार्म शुरू किया। हम लोगों ने वहां 4 पॉन्ड्स बनाए हैं। टोटल वाटर स्प्रेड एरिया जो है वो लगभग 5,208 स्क्वायर मीटर है और वहां पर हम लोगों को एम्पीडा से सी बैस फार्मिंग के लिए इनरोलमेंट भी मिल गया है। हम लोगों की यात्रा जारी है और उम्मीद है कि ये यात्रा चलती रहेगी। YouTube पर एक्वाकल्चर गुरु नाम के चैनल को शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ भी हम लोगों ने आज तक सीखा है और जो सीख रहे हैं उसे सर्वसाधारण से भी साझा किया जाए। इसी उद्देश्य के तहत आने वाले समय में हम लोग बायोफ्लॉक, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम और पॉन्ड एक्वाकल्चर के ऊपर वीडियो की सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें बहुत सरल तरीके से इन तीनों सिस्टम्स के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोगों ने अभी तक हमको बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार।
जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।